हेलो एवरीवन, आज हम कैबेज यानी पत्ता गोभी की सब्जी बनाएंगे। हम ये प्रेशर कुकर में बनाएंगे, बहुत जल्दी, झटपट और बहुत आसान तरीके से। तो आइए फटाफट हम इसकी रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो ये 1/2 kg का पत्ता गोभी यानी कि कैबेज है, जिसे मैंने इस तरह कट कर लिया है। आप भी पतले पतले लच्छों में ही कट करें। तो इसे हमने कट करने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको आप 2 से 3 बार पानी में अच्छे से वॉश करके निकाल लीजिए। साथ ही 2 चम्मच चने की दाल को मैंने 10 मिनट के लिए पानी में भिगा दिया था, इसे भी मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं कुकर में ये चने की दाल डालूँगी। नीचे डालने से ये थोड़े जल्दी से पक जाते हैं। तो इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी पत्ता गोभी, जो हमने वॉश भी कर लिया है। सारी पत्ता गोभी इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद हम एक तरफ जल्दी जल्दी से टमाटर कट कर लेंगे। तो मैं 4 मीडियम साइज़ के टमाटर यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। तो सबसे पहले हम इसमें मसाले डाल देंगे। मैंने डाल दिया 1 चम्मच हल्दी, मिर्च डाला है 1/2 चम्मच और साथ ही धनिया का पाउडर भी हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे। अब हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे ऊपर से। टमाटर इसमें जाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इस टाइम पर डालने से ये अच्छे से गल भी जाते हैं। तो हम इसमें अभी स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हमें इसमें पानी डालना है। तो ये पानी 1/4 कप या उससे कम ही डालें। इसके बाद हमें इसे ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर देना है। बहुत अच्छे से मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, ये सब तरफ से अच्छे से कुक हो ही जाएगा। तो हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी लीड लगा देते हैं। हाई फ्लेम पर 1 सीटी और लो फ्लेम पर 1 से 2 सीटी आने तक हम इसे कुक करेंगे। दूसरी तरफ हम इसको फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने 6-7 लहसुन की कलियां अच्छे से कूट ली है। बॉइल्ड होने के बाद हमें इसे ठंडा होने पे ही ओपन करना है। ठंडा होने के बाद हमने इसे ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं सब मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिला के दिखा देती हूँ। ये अच्छे से सब तरफ से मिक्स हो जाता है और देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा जो पानी बचा है वो हम फ्राई करके सुखा लेंगे, जिस कंसिस्टेंसी में भी हमें चाहिए होगा। तो मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लिए हैं और इस गरम ऑयल में मैं जीरा और सरसों 1/2 चम्मच डाल दूंगी। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 3-4 हरी मिर्चें कटी हुई और फिर हम इसमें अपना लहसुन डाल देंगे, जो हमने अभी कद्दूकस यानी कि कूट कर रखा था। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी 1/2 चम्मच डाल देंगे। फिर हम पत्ता गोभी निकाल कर डालेंगे। पानी भी हमें डालना है, लेकिन उससे हाथों में छींटे पड़ सकते हैं, इसलिए पहले हम पत्ता गोभी डालेंगे, उसके बाद हम इसका जो ग्रेवी है पानी वो डाल देंगे। फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक कुक करेंगे। हमें जितना इसका ग्रेवी थिक चाहिए हम उतना कर सकते हैं। यदि आपको ड्राई करना है तो आप ड्राई भी कर सकते हैं। बस 2 मिनट में ये झटपट तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। तो यदि आपको रेसिपी पसंद आया हो, मेरा तरीका पसंद आया हो, तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऊपर से हम डाल देंगे हरा धनिया और इसे फटाफट चावल या रोटी के साथ सर्व कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल पर आप अन्य रेसिपी ज़रूर देखें। बाय बाय।